हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट टाइम हमने बेसिक पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब हम उसी इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले को यूज करके कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फॉर्मूला फॉर कैलक्यूलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और फॉर्मूलाज हम डिराइव करने वाले निकालने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक जो भी हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था हमने अभी लास्ट वीडियो में? पावर इज व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये हमने पढ़ा था। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हम कुछ और फॉर्मूले निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियसली इन द सेम चैप्टर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर वन, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। ठीक है, मैंने यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया अगर आपने नहीं किया है तो। गुड, कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से और चार्ज मूव को क्यू से। अगर मैं यहां से W के लिए फॉर्मूला निकालू तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू वी इंटू क्यू हो जाएगा। ये यहां से ला गया, क्लियर है। अब मैं यहां पे लिख देती हूँ इक्वेशन, इसे कर देती हूँ मैं इक्वेशन वन, और ये साइड में चल रहा है ना। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन वन क्या मिल जाएगा हमें? P इक्वल्स टू W के प्लेस में हमें क्या लिखना है? V इंटू क्यू। मैंने लिख दिया V इंटू क्यू और अपॉन में क्या था? T था, तो मैं उसे T लिख दूंगी। यहां तक क्लियर है ना? बहुत बेसिक धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि आपने इस तरीके के फॉर्मूला कन्वर्जन्स नहीं किए हैं। तो हम आराम से जो भी चीज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, हम स्लोली स्लोली कर रहे हैं, है ना? क्लियर है यहां तक? तो ये कम्प्लीट हो गया। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने कर लिया, एक हमने कर लिया वन से पोटेंशियल डिफरेंस रिवाइज कर लिया और एक और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। चार्ज मूव मतलब क्यू अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यू बाय टी भी है। अगर मैं ये वैल्यू आई क्यू बाय टी की यहाँ पे रख दू तो इससे भी क्या आ जाएगा? आई। सो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर टू कर देते हैं। यहाँ पे आप फिर से मेंशन कर दीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू बाय टी इनटू इक्वेशन टू। क्यू और क्यू बाय टी की वैल्यू, ये जो क्यू बाय टी है अगर मैं उसे रिमूव कर दू तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो ये क्या हो गया नया फॉर्मूला? पी इक्वल्स टू वी तो है ही, क्यू बाय टी की जगह क्या आ गया? आई आ गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आई। वी गॉट वन मोर फॉर्मूला फॉर पावर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट आई। क्लियर है? तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर वन। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम दो और फॉर्मूले कैलकुलेट करने वाले। फर्स्ट इसको याद कर लीजिए, पावर का एक फॉर्मूला हो गया W बाय टी, एक फॉर्मूला हो गया वी पी इक्वल्स टू वी आई। दो और हमें कैलकुलेट करें प्लस चेक आउट अदर टू फॉर्मूलाज, हम कैसे निकालेंगे उसे। अभी हमने क्या डिराइव कर लिया, क्या निकाल लिया? पी इक्वल्स टू वी आई। अब हम इसी में वैल्यूज पुट करेंगे और दो और पावर के फॉर्मूलेज कैलकुलेट करेंगे और ये सारे फॉर्मूलेज हमें कहाँ काम आएंगे? ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग मैं जो रिवाइज करवा रही हूँ, थर्ड फॉर्मूला आपको जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं उसमें से, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस करवा दिया, इलेक्ट्रिक करंट करवा दिया, ओम्स लॉ करवा दी, तो पुराना टॉपिक भी यहाँ पर रिवाइज हो रहा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें? वी इक्वल्स टू आई आर बोलता है। अगर मैं ये इक्वेशन वन बोल दू और इसे बोल दू इक्वेशन टू, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ये जो वी की वैल्यू है दैट इज आई आर, अगर मैं यहाँ रख दू तो हमें फिर से एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
2 in equation 1. What will get? V की वैल्यू क्या है? IR है, IR में यहां रखने वाली. तो ध्यान से देखिए, P तो है ही इक्वेशन 1 में, V के प्लेस पे क्या आ गया? I और R. तो मैंने रख दिया I, R और एक I तो पहले से था, तो यहां पर I फिर से लिख दूं. क्लियर है ना? बहुत बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है. मैंने क्या किया है, ओम्स लॉ की जो वैल्यू है आई आर, वो मैंने वी की जगह रख दी, क्योंकि ये वी इक्वल्स टू ही तो है. वी की वैल्यू यहां पर आ गई, तो दिस बिकम्स दिस. तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. तो ये हो गया एक और नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पावर. ठीक है, हम बोल सकते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. क्या पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, वो पूछ सकते हैं. गिव द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, हमको समझ में आ रहा है कि पावर हमने किस टर्म में लिखी है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. तो ये हो गया एक और फॉर्मूला. अब हम एक और कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट आई एम गोइंग टू डू हियर. फिर से इसी को उठा लीजिए, पी इक्वल्स टू वी आई, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था. ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ अगर मैं बात करूं, तो ओम्स लॉ क्या है, वी इक्वल्स टू आई आर. अभी मैंने ध्यान से समझिए, ये आपको ना ये डेरिवेशन हमेशा भूल जाएंगे, किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा, बच्चे भूल जाते हैं. हमने कुछ नहीं किया है, पहले जो फॉर्मूला निकाला था पी इक्वल्स टू वी आई, उसे ही लेकर आए, ओम्स लॉ लेकर आए, और पहली बार हमने ओम्स लॉ की एज इट इज वैल्यू रख दी वी के साथ. अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए, एक आ गया, एक बार वी की वैल्यू रख दी हम, एक बार आई की रख दो, सिर्फ ये याद रखना. ध्यान से सुनिए, जब P इक्वल्स टू वी आई से आपको दो फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार ओम्स लॉ की वैल्यू में, वैल्यू के हिसाब से इसमें ध्यान से देखिए, एक बार V की वैल्यू कहीं और से मतलब ओम्स लॉ से ला के रख दीजिए, एक बार I की वैल्यू ला के रख दीजिए. सो यू विल गेट टू न्यू फॉर्मूलाज ऑफ पावर इन डिफरेंट टर्म्स. एक तो हमने निकाल लिया है, कैसे निकाला, V की वैल्यू रखकर. अब हम क्या करेंगे, गुड, I की वैल्यूज रख देंगे. कहां से निकाल कर, अगर मुझे यहां से I की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू V बाय R. क्लियर है ना यहाँ पर. फिर से आप इक्वेशन नंबर्स का नेम दे दीजिए यहाँ पर, आपने अगर साथ में ही कर रहे हैं या अलग कर रहे हैं. हम साथ में कर रहे हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. क्लियर है, यहां से सॉरी इक्वेशन 4 इसे करना है. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो हम रखने वाले हैं, आई की वैल्यू रख रहे हैं वी बाय आर यहां पर. तो ये हो गया पी इक्वल्स टू, वी तो है ही, वी की जगह तो हमको चेंज नहीं कर रहे हैं, आई की जगह हम क्या लिख रहे हैं वी बाय आर. तो मैंने यहां रख दिया आई की जगह वी बाय आर. And this becomes P equals to V square by R. So this is our new formula of power in terms of potential difference and resistance. ये था in terms of I and that is current and resistance. So resistance दोनों में एक बार I है और एक बार V है. तो इस तरीके से अगर power के देखे तो हम यहाँ पर आपको तीन formula दिख रहे हैं. ध्यान से देखो, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और एक जो हमने basic पढ़ा था, basic कौन सा पढ़ा था, P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी. यहाँ पर मैं सारे फॉर्मूले लिख रही हूँ पावर के, एक बार नंबर ही करके लिख लेना. एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया P इक्वल्स टू वी आई, तीसरा ये हो गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और फोर्थ कौन सा हो गया P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. सो हियर यू हैव फोर फॉर्मूलाज ऑफ पावर. अभी के अभी ने किस तरीके से हमने कन्वर्जन किया है वो समझ लीजिए, और उन्हें याद कर लीजिए, सारे यूज होने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में. यहां से ये जो फोर्थ फॉर्मूला है, मुझे यहां से आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है. ध्यान से देखिए, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, वी पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. मैं से ये बोल सकती हूँ दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. बोल सकती हूँ, साफ दिख रहा है हमें, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, पावर इज inversely proportional to resistance, that is R. Okay, ये तो हमें दिख भी रहा है यहां से फ्रॉम द फॉर्मूला नंबर 4.
यहाँ से मैं आपको जो एक्चुअली ये दिख रहा है वो तो नहीं बताना है, ध्यान से समझिए पावर किसकी होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं जनरली, तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा हमारे घरों में, जो आपके घरों में भी देखा होगा आपने, कि जो बल्ब आते हैं उनमें अलग अलग पावर लिखी होती है, 40 वॉट का बल्ब होता है, 100 वॉट का बल्ब होता है। आपने सुना भी होगा शायद कभी अपने घर में किसी को बोलते हुए कि 100 वॉट का बल्ब है, या ट्यूबलाइट्स हैं, सबके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सबकी अलग पावर रेटिंग होती है ना। सो उनको हम वॉट्स में ही बोलते हैं, पावर रेटिंग वॉट में बोलते हैं। ठीक है, यहां से मैं एक रिलेशन लिख रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस हैव लो रेजिस्टेंस। यहां से समझ में आया, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो क्या बढ़ेगी, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी कम होती है ना, और वो हमें ध्यान रखना होता है कौन सी इंडिपेंडेंट है कौन सी डिपेंडेंट है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो पावर बढ़ेगा। तो इससे मैं बोल सकती हूँ ऐसे अप्लायंसेस जिनके क्या है, दे आर हाई पावर रेटिंग, क्या है उनका पावर अगर हाई है, जैसे कि एसी है तो पावर हाई है, बहुत हाई होता है। अगर मैं एसी और बल्ब को कंपेयर करूं तो किसका पावर हाई होगा, एसी का ही होगा, है ना। तो अगर उसका हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो। क्यों ऐसा हो रहा है, यही तो होना चाहिए भाई। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत अच्छे से ट्रेवल कर पाएगी, पास हो पाएगी, है ना। तो ये एक चीज आप याद रख सकते हैं, कंसेप्चुअल थिंग है ये थोड़ी सी, कि अगर यहां से निकाला हमने वो रिलेशन कि पावर हाई है, किसी भी हाई रेटिंग अप्लायंसेस की पावर हाई ही होंगे तो उनका रेजिस्टेंस लो होगा, तो इसका उल्टा भी सही है, लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत है एज कम्पेयर टू हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान अभी वहां पर होगा इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अगर हम 3 की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, तो यहां से आपको ये भी तो दिख रहा है पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी तो दिख रहा है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया कि एक बार पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, एक बार क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सो इन दोनों में से ये है सही करेक्शन या कनेक्शन, आई शुड से, ये जो है ये रॉन्ग कनेक्शन है, हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते। इसका रीजन है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या दिया है, पी इक्वल्स टू वी बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम किसी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब कर सकते हैं, जहां पर कोई कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हो। हमने यहाँ पर क्या किया, v को कांस्टेंट कर दिया और उसी वजह से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। याद है हम इसका उल्टा ऐसे ही करते थे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो उसे हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमारा v है। ध्यान समझिए कि पहले मैंने ये लिखा होगा इक्वेशन, उसको फिर इक्वल टू कर दिया और एक कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट क्या था, v है। तो यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मान लिया, हम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, हम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ही कांस्टेंट मान सकते हैं इन जनरल। वेयर इज हियर, जो करंट है वो तो किस पर डिपेंड करता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, करंट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, हम सिर्फ जनरली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को ही कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। दैट इज द रीजन हमने इसको कॉन्स्टेंट माना और ये रिलेशन को एक्सप्लेन करते हुए ये कंसेप्ट समझ लिया। यहां पर क्या आ रहा है, आई करंट आ रहा है, आई करंट क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, करंट पूरा डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम इसे क्या नहीं मान सकते, कांस्टेंट। ये सब क्या हो गए, सारे वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इस रिलेशन को इस तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में वो बात आती भी है तो यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए। तो यही एक ही रिलेशन है जो आपको बहुत अच्छी कहानी बता रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस अगर हैं तो उनका रेजिस्टेंस लो होगा। ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, सो हियर वी एंड दिस वीडियो, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट।
सारे फॉर्मूलेज जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक सेपरेट कॉपी में या इनमें आपकी कॉपी पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्हें कंटिन्यूसली कुछ गैप्स के बाद रिवाइज करते रहिए ताकि आप भूलेंगे नहीं इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलाज को याद करना बहुत जरूरी है अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। And if you are liking our videos, then subscribe to our channel. Also press the bell icon for more notification from our side. Thanks a lot for watching this video.